जिस तरीके से आज का मैच चला, सीएसके वर्सेस जीटी, पहला क्वालिफायर, मतलब ये गुजरात टीम को बहुत, उनके फैंस को बहुत घमंड था कि सीएसके कभी गुजरात से जीती नहीं। क्या हुआ भाई? चलिए, बात की बात है कि फाइनल में शायद पहुंच जाए, ये तो ऊपर वाला जाने, बट आज कैसे धोनी आप पे भारी पड़े अपने ग्राउंड पे पता चला। इससे पहले जितने ही मैच हुआ होंगे, शायद चेपॉक में तो नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, बट अगर हुए रहते तो ऐसा सिचुएशन नहीं रहता। चेपक में खेलने हैं, पता चल गया कौन सी क्या कंडीशन है। वहीं शुभम गिल है, बॉल भाई रन मार के गए हैं, राशिद खान आके अच्छे खासे कुछ रन बनाए। बात करें सीएसके की तरफ से तो ऋतुराज गायकवाड बहुत ही अच्छा बैटिंग की, वहीं डेविड कॉनवे से उतने अच्छे रन नहीं जा रहे थे, वह भी गेंद पर बॉल ही खेले हैं, उनके अच्छे शॉट्स आ रहे थे। एट द लास्ट मोइन अली ने छक्का मारा, रविंद्र जडेजा अच्छा खेले, और देखा जाए दोनों तरफ के बॉलरों को अच्छी खासी विकेट मिली है। मतलब इधर के बॉलरों को भी, सीएसके के बॉलरों को भी दो 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 विकेटें मिली हैं, और उधर के बॉलरों को भी दो दो विकेटें मिली हैं। तो पिच एकदम एक्यूरेट था। आप ये मत बोलना है कि पिच बॉलरों के, सीएसके के हिसाब से बनाया गया था, ऐसा कुछ मत उड़ाना। पिच एकदम सही था, क्योंकि दोनों तरफ के बॉलरों के हिसाब से ही पिच बनाया गया था, बॉलरों को मदद मिली थी। बट होता है ना कि शायद आपका दिन नहीं था, जहाँ धोनी खड़े हो अपने गढ़ में खड़े हो तो फिर क्या कहना इस चीज़ को लेकर। वैसे मैच आपने अच्छा खासा टक्कर दिया सीएसके को, तो अच्छा लगा। बस वेट करते हैं लखनऊ मुंबई से कौन जीतता है, फिर आपसे क्वालिफायर आपके घर पे होगा, तो आप 100% नहीं पर 98% श्योर है कि आप जीतेंगे ही, बट सीएसके इन द फाइनल। बाप रे भाई, सीएसके फैन खुश तो रहूँगा ही, जीटी फैन तो हूँ नहीं। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं इन द फाइनल। जय हिंद।